बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार खट्टी ट्रेडिशनल पकौड़ों वाली कढ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपका दही खट्टा ना हो तो आखिर में मैंने एक टिप बताई है खट्टी कढ़ी करने के लिए, आप वो टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपकी कढ़ी जो है वो बहुत ही खट्टी और लजीज जायकेदार बनेगी। पकौड़ों वाली कढ़ी के लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं। 1/2 kg दही ले लें। दही हमारा 2-3 दिन पुराना होना चाहिए क्योंकि बासी दही जो है वो खट्टा हो जाता है और खट्टे दही की कढ़ी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। 1 कप बेसन ले लें। 1 प्याज को लेकर मोटा मोटा स्लाइस कर लें। 8-10 कलियां जो हैं लहसुन की ले लें। 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ले लें। 1 टी स्पून हल्दी ले लें। 8-10 के करीब छोटी वाली हरी मिर्चें ले लें। 1 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लें। 2 टीस्पून हमने नमक लेना है। चंद दाने जो हमने मेथी दाने के लेने हैं, कुछ कड़ी पत्ते ले लें और 2-3 साबुत वाली गोल लाल मिर्चें ले लें। ये भगार के अज्जा है। 1 प्याज मैंने स्लाइस कर ली है। कुछ पत्ते जो हैं वो कड़ी पत्ते के लिए हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 8 से 10 जो हैं वो साबुत वाली गोल लाल मिर्चें ली हैं। तो आइए अब हम दही के अंदर तमाम अज्जा को शामिल कर देते हैं ताकि हम उन्हें ब्लेंड कर सकें एक साथ आसानी के साथ। लहसुन, हरी मिर्चें, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, प्याज, बेसन। अब जितने भी हमने दही में अज्जा डाले हैं इन सब अज्जा को हमने ब्लेंडर में डाल देना है। साथ में हमने पानी शामिल करना है। तमाम अज्जा को हमने ब्लेंडर में डालकर स्मूथली ब्लेंड कर लेना है। तो आइए अब हम पकाना शुरू करते हैं, कढ़ी की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लें, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दें। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर मेथी दाना, 2-3 साबुत वाली गोल लाल मिर्चें और चंद अदद कड़ी पत्ते जो है वो शामिल कर देने हैं। अब हमने इसको थोड़ा फ्राई करना है यहाँ तक के कड़ी पत्तों का जो कलर है वो चेंज हो जाए और मेथी दाना भी थोड़ा पॉपअप हो जाए। देखिए अब कड़ी पत्तों का रंग जो है वो चेंज हो गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर दही और बेसन का इसमें शामिल कर देना है। हमने इसमें 2 लीटर या 8 ग्लास के करीब पानी शामिल करके इसे कुक करना है। हमने इसे एक उबाल आने तक कुक करना है और इसमें चमचे को चलाते रहना है। अब हमने बहुत ध्यान से इसको कुक करना है क्योंकि कढ़ी में एकदम से उबाल आता है और कढ़ी जो है वो उबल जाती है। जब तक उबाल नहीं आएगा हमारी कढ़ी में, हमने थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ खड़े होकर चमचा चलाते रहना है। हमने बिल्कुल अटेंटिव रहना है, इसकी तरफ से बिल्कुल नज़र नहीं हटानी। देखिए अब कढ़ी में उबाल आना शुरू हुआ है, हमने बहुत ध्यान रखना है। मैंने तो बहुत खट्टा दही लिया था 2-3 दिन पुराना और उसको 4-5 घंटे के लिए बाहर रख दिया था। कढ़ी पकाने से पहले मैंने 4-5 घंटे के लिए फ्रिज से बाहर निकाला था दही को और उसको बाहर रख दिया था ताकि वो और मज़ीद खट्टा हो जाए। अगर आपको इमरजेंसी में कढ़ी बनानी पड़े और दही आपका ताज़ा हो, खट्टा ना हो, तो उसकी एक ट्रिप है, तो मैं आपको वो बिल्कुल लास्ट में आपको वो टिप बताऊँगी। बस अब हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है, हमने चूल्हा हल्का कर दिया है और इसको कवर कर दिया है। अब हमने 2 घंटे तक के लिए कढ़ी को इसी तरह से हल्की आंच पर कुक करना है। बीच में एक आध दफ़ा हमने इसको चेक कर लेना है। मैंने बीच में एक आध दफ़ा कढ़ी को चेक किया था। अभी 2 घंटे बाद मैंने कवर हटाया तो मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने के बाद अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे। मिक्स कर लें नमक को इस तरह से और 5 मिनट पका के चूल्हा बंद कर दें और कढ़ी को कवर करके रख दें। नमक हमने शुरू में शामिल नहीं करा था, आखिर में शामिल करा है और आप भी ऐसे ही करिएगा क्योंकि नमक शुरू में अगर डालते हैं तो कढ़ी जो है वो बाज दफ़ा ऐसा होता है कि दही फट जाता है और कढ़ी ऐसी दानेदार सी हो जाती है। आइए अब हम कढ़ी के लिए पकौड़ों की तैयारी करते हैं। 2 कप बेसन ले लें और उसमें 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें। 1 बड़ी प्याज को स्लाइस करके डाल दें। 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टी स्पून हमने मीठा सोडा शामिल कर देना है। अब तमाम चीज़ों को बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी को हमने बहुत ध्यान से डालना है। मिक्सचर हमें ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बेसन को हमने पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से फेंटना है इन तमाम चीज़ों के साथ। बेसन को जब हम
फेंटते हैं तो उसके अंदर एयर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पकौड़े जो हैं बहुत फ्लफ़ी बनते हैं और बहुत अच्छे और सॉफ्ट पकौड़े तैयार होते हैं। देखिए, हमने ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम ऑयल को चेक कर लेंगे जो हमने गर्म करने रखा हुआ था। देखिए, हमने एक ड्रॉप डाल के देखा बेसन का, जब ये एकदम से ऊपर आ जाए तो समझिए हमारा ऑयल जो है वो पकौड़े डालने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर पकौड़े डाल दें, एक तरफ से पकौड़े हो जाएं तो हमने उनकी साइड चेंज कर देनी है और फिर इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है। तमाम पकौड़े हमने तल लेने हैं, हमने कढ़ी के अंदर अभी पकौड़े शामिल नहीं करने। अगर हम गरम गरम पकौड़े डायरेक्ट कढ़ी में डाल देते हैं तो पकौड़ों के अंदर एक मोटी सी गुठली आ जाती है जो कि अच्छी नहीं रहती खाने में, जायका नहीं आता। देखिए, जब हमने सारे पकौड़े तल लिए तो अब हमने एक साथ तमाम पकौड़े इसमें डाल देने हैं। इस वक्त हमारी कढ़ी भी हल्की सी ठंडी हो गई है, चूल्हे से उतार दी थी हमने कढ़ी। अब हम बघार की तैयारी करते हैं। हाफ कप ऑयल ले लें, उसमें साबुत गोल लाल मिर्च डाल दें, स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर दें। अब हमने प्याज को और साबुत गोल लाल मिर्चों को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब हमारी प्याज देखें ब्राउन हो गई है अब, तो अब हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। जब ज़ीरा अपना कलर चेंज कर ले, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और कड़ी पत्ते भी थोड़े से मुरझा जाए, थोड़े से फ्राई हो जाए इनके साथ ऑयल के साथ, तो अब हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को, क्योंकि हमारा भगार तैयार हो गया है और अब हम इसे कढ़ी में भगार लगा देंगे। अब हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है, अब हम इस कढ़ी को डिश आउट कर लेंगे। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और खट्टी कढ़ी तैयार हुई है, और अब आप इसे बॉयल चावलों के साथ या ज़ीरा राइस के साथ या फिर नान के साथ इंजॉय करें। नान के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जनाब, टिप तो रह ही गई, और खट्टी कढ़ी करने के लिए सबसे ज़बरदस्त टिप ये है कि आप 1/4 टीस्पून के करीब टार्ट्रिक सिट्रिक एसिड जो है वो, जब मैंने नमक शामिल किया था उस टाइम पे आप उसके साथ शामिल कर दें। नमक के साथ आप टार्ट्रिक डाल दें तो आपकी कढ़ी जो है वो खट्टी और मज़ेदार हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में फीडबैक दें, और मेरे चैनल किचन विद शैगी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।